महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में 1 मई को राज ठाकरे औरंगाबाद जाएंगे। इस बीच राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी का न्योता मिला है। AIMIM ने राज ठाकरे को इफ्तार के लिए आमंत्रित किया है। औरंगाबाद के AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। कहना चाहूंगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर, करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है, और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके है, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है, आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग है, तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मनसे प्रमुख ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, राज ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक नया भोगी बनाम योगी शब्द का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की सराहना करते हुए राज ठाकरे ने उम्मीद जताई है कि उनके राज्य में भी सद्भावना कायम होगी। लाउडस्पीकर विवाद को हवा राज ठाकरे ने ही दी है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति तब और खराब हो गई जब निर्दलीय सांसद रवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने राज ठाकरे का समर्थन करने का फैसला लिया और सीएम उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया। इस मामले में राणा दंपति की गिरफ्तारी भी हुई और उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। फिलहाल राणा दंपति सलाखों के पीछे हैं।